दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जो बेस्ट मार्केट में टेस्ट सीरीज है वो हम अवेलेबल करा रहे हैं 149 रुपीज़ में। लेकिन अगर आप उमंग स्टडी कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये सिर्फ आपको 127 में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एमडी गैस सर जुड़ चुके हैं जो कि इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन 1 के पद पे कार्यरत हैं। तो सबसे पहले मैं इंडियन रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एमडी गैस सर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेवा करने का मौका दिया। फिर मैं एमडी गैस सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ लाइव इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं ताकि अपना डिटेल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके और इनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ जानकारी मिल सके, जिससे कि आप भी जब टेक्नीशियन के पद पर रेलवे को ज्वाइन करें तो आप रेलवे को अच्छी से सेवा दे सके, जिससे कि हमारा रेल भी आगे बढ़ सके और हमारा देश भी आगे बढ़ सके। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद ग्यास है, टीएम सेक्टर में ड्यूटी करते हैं टेक्नीशियन 1 का पोस्ट में। ओके, धनबाद से आते जाते हैं, रेलो क्वार्टर वाचन वार्ड रेलो कॉलोनी में रहते हैं जी। तो सर, आपने इंडियन रेलवे में कब ज्वाइन किया? 86 में। 86 में जी। तो सर, जब ज्वाइनिंग किए थे तो कौन से पोस्ट पे ज्वाइनिंग किए थे? हम ऑल लेवर में ज्वाइन किए थे। अच्छा, कॉल मैन वगैरह वगैरह करते थे। तो सर, ज्वाइनिंग से लेकर के अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा सर? अनुभव तो ठीक है और काम में जो है ना, काम में इंसान को मन लगाना चाहिए और घर का चिंता छोड़ देना चाहिए। ओके, और काम को दिल से, दिल मतलब दिल दिमाग दोनों लगा कर काम करना चाहिए कि ताकि किसी तरह का गड़बड़ी ना हो और ईमानदारी से काम करना चाहिए। ओके, तो सर, जब आप ज्वाइनिंग किए थे तो आपका जो भर्ती हुआ था सर, वो आरआरबी परीक्षा के थ्रू हुआ था या डायरेक्ट भर्ती? नहीं सर, उसमें क्या है कि हमारे पिताजी एस्पायर किए थे, उन्हीं का जगह में हमारा हुआ है। तो सर, आपका जो पहला प्रमोशन लगा वो कितने साल में लगा? वो करीब मतलब 17-18 साल हो गया। 17-18 साल अभी खलासी में थे जी। अच्छा, खलासी में थे। तो उस दौरान आप काम क्या करते थे, आपका काम क्या होता था सर? हमारा काम यही था कि कॉल देना था ड्राइवर लोगों को, जाकर मतलब सूचित करना था कि आपका इतना समय में आपका ये गाड़ी है, फलाना जगह जाना है, वो जाते थे। अच्छा, कॉल देना मेरा काम था, रात हो चाहे दिन हो। हाँ हाँ, तो आपको जो पहला प्रमोशन लगा वो कैसे लगा? सीनियरिटी बेसिस पे लगा या फिर आपका डिपार्टमेंटल परीक्षा दे करके लगा? नहीं नहीं, वो सीनियरिटी बेसिस पे लगा जी जी। तो प्रमोट होकर कहाँ आ गए सर, कौन से पोस्ट पे चले गए? खलासी हेल्पर हुए। खलासी हेल्पर हुए जी। तो काम में कुछ चेंज हुआ या काम वही था, खाली प्रमोशन हो गया? हाँ, काम तो वही था, काम में बदली नहीं हुआ? नहीं, काम में यहाँ पर सफाई वगैरह वगैरह फिटर के साथ में रहते थे। अच्छा, वही काम करते थे। तो काम में भी चेंजेस हुआ? हाँ जी। फिर उसके बाद फिर आपका अगला प्रमोशन कब लगा? अगला 4-5 साल का बाद। 5 साल के बाद फिर कौन से पोस्ट पे चले गए प्रमोट होकर? टेक्नीशियन 3 में गए। टेक्नीशियन 3 में जी। फिर वहाँ पे काम बदला या काम वही था? हाँ, काम मतलब आर्मेचर का चैम्परिंग करते थे। अच्छा अच्छा, आर्मेचर जो आता है ना जैक्सन मोटर का, चैम्परिंग करते थे। अच्छा जी। तो उस दौरान आपका जब टेक्नीशियन 3 में जो प्रमोशन हुआ, डिपार्टमेंटल परीक्षा से हुआ सीनियरिटी बेसिस पे? नहीं, सीनियरिटी, सारा सीनियरिटी बेसिस जी सर। डिपार्टमेंटल परीक्षा पे भी बार नहीं दिए? नहीं सर। फिर टेक्नीशियन 3 में कितना साल तक रहा? वो उसमें 3-4 साल उसमें भी। 4 साल। फिर अगला प्रमोशन कहा, टेक्नीशियन 2? हाँ, 2 हुआ। तो वो भी सीनियरिटी बेसिस पे जी। तो टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 में गए तो काम में कुछ बदली हुआ या वही काम था? नहीं, काम में यही हो गया, इंस्पेक्शन होने लगा। अच्छा, प्लस क्या है कि हर तरह का काम, सेठ का तो काम जानते ही है कि हर तरह का काम करना पड़ता है। अच्छा, वो वहाँ क्या है कि साफ सफाई भी करना पड़ता है। हाँ हाँ, कि आप अपने जगह में रहिएगा तो वहाँ साफ सुथरा करना है ना। हाँ हाँ, इसीलिए झाड़ू से लेके झोल झाड़ना सारे काम को करना पड़ता है। अच्छा, फिर वहाँ टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1 में कितने साल में प्रमोशन हुआ? वो 3 साल में। 3 साल में। अभी तो टेक्नीशियन 1। अच्छा, कब से है टेक्नीशियन 1 आप? 3 साल हो गया सर। 3 साल से। तो ऐसे टेक्नीशियन 1 आपका अभी काम क्या होता है? अभी इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब सारा काम, कभी मोटर इंस्पेक्शन करने के बाद
इंस्पेक्शन कर लिए, फिर दूसरा दिन बुकिंग हुआ कि चलिए मोटर ओवर वायरिंग कीजिए, तो वो करते हैं, सारा खोलना है, धोना है, फिर वायरिंग वगैरह वगैरह चेक करना है, और चेक कर अगर सही नहीं रहा तो उसको चेंज करना पड़ता है। अच्छा, तो उसको नया वायरिंग को चेंज करते हैं हम लोग, हाँ चेंज करके उसको सही करते हैं। अच्छा, सही हो गया बस मोटर फिट करके बाहर लाइन कर देना पड़ता है। एज ए टेक्नीशियन वन आपके जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सर आप लोगों का ड्यूटी आवर क्या होता है? वो 8 घंटा होती है। 8 घंटा जी। टेक्नीशियन वन आप लोगों को मिलने वाले रेलवे की तरफ से बेनिफिट्स की बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को रेलवे की तरफ से? जैसे साबुन मिलता है, टार्च मिलता है, और हाथ पोछने के लिए डस्टर मिलता है, और कपड़ा देते थे तो अभी कपड़ा का पैसा भी देता है। अच्छा, हाँ ये सब फैसिलिटीज है। सैलरी कितना मिलता है आपको सर? अभी वही 48 क्रॉस पेमेंट या नेट पेमेंट? नेट मिलता है। नेट पेमेंट क्रॉस पेमेंट? क्रॉस पेमेंट 5,000 है, मतलब 50 हाँ 50 का लगभग है। टोटल पेमेंट 50 काट छाट के 40 मिलता है? हाँ मतलब 45-46 समझ लीजिए, हाँ काट छाट के 45-46 मिलता है। जी जी जी। अच्छा, तो सर आपका इधर क्वार्टर वगैरह आपको मिला है सर? हाँ मिला है, धनबाद में है। धनबाद में। अच्छा, एज ए टेक्नीशियन मिलने वाले अलाउंसेस की बात करें तो कितने तरह के अलाउंसेस मिलते हैं आपको? अलाउंस तो हम लोग अभी नहीं मिलता है, इसलिए कि खाली दिन ड्यूटी करते हैं हम लोग। अच्छा, है ना, नाइट ड्यूटी ये सब नहीं करते। अच्छा, दिन ड्यूटी आना है 8 घंटा ड्यूटी करके 8 घंटा और घर चले जाना है। एज ए टेक्नीशियन मिलने वाले छुट्टियों की बात करें तो आप लोगों के लिए छुट्टियों का क्या प्रावधान होता है? हाँ छुट्टी जैसे कि 10 को CL है, 30 को LFP है। अच्छा, ये CL LFP क्या होता है सर, कैसे काम करता है? मतलब CL का है कि आपका इमरजेंसी के लिए है, इमरजेंसी में कोई एक बैग कोई सा दुर्घटना घर में हो गया या मतलब परिवार में हो गया तो आप देकर जा सकते हैं। अच्छा, दो दिन तीन दिन चार दिन आपको ये आराम से मिल जाएगा। और ये क्या है कि LFP है लंबा समय के लिए, उसको बचा सकते हैं आप, जितना बचाइएगा उतना आपका पेमेंट भी साथ देगा रिटायरमेंट का समय, वो बचाने का कोशिश करना चाहिए हर इंसान को। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा काम है वो कहाँ से बचाएंगे, हम लोग बच नहीं पाते। सर बहुत सारे नया स्टूडेंट लोग रेलवे में टेक्नीशियन के पद पे ज्वाइनिंग किया है तो उनको आप अपना जूनियर क्या सलाह देना चाहेंगे, वो कैसे रेलवे में काम करें? क्योंकि वो एक नया स्टूडेंट है, उसको रेलवे के बारे में कुछ पता नहीं है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी एक अच्छा टेक्नीशियन रेलवे को सेवा दे सके जिससे कि हमारा रेलवे आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे बढ़े। अभी हम लोग के साथ में है 5-6 है, लेकिन वो बहुत अच्छा से काम करता है और सीखने का कोशिश चालू करता है, और जो भी काम दीजिए वो ढंग से करता है, और क्या है कि जितना पुराने लोग हैं उन लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए ज़्यादा काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, इसीलिए वो लोग मन लगाकर और सीखने का कोशिश करता है, और काम से देखते हैं कि दिल नहीं चुराता, काम ढंग से करता है, कोई भी काम बोलिए फट से तैयार हो जाता है, और रिस्पेक्ट करते हैं, जितना सीनियर है सारे सीनियर को रिस्पेक्ट भी अच्छा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है सर, आप ठीक है ना? सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप इतना दिन रेलवे में सर जॉब की, आपका कोई ब्यूटीफुल मोमेंट रेलवे के साथ सर, बहुत यादगार लम्हा जिसको याद करने के बाद अभी भी आपका दिल खुश हो जाता है? हाँ दिल खुश होता है कि देखिए घर में बहुत तरह का टेंशन होता है, लेकिन यहाँ सारे लोग का अच्छा विचार अच्छा व्यवहार के कारण मतलब दिल खुश रहता है, और एक दिन अगर नहीं आइए तो घर काटने को दौड़ता है, और लगता है कि हम ड्यूटी पर हैं और काम कर रहे, सारे लोगों से अच्छा मिलजुल है, और घर में तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे एकाएक दिन रह गए तो काटना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ सभी लोगों का भाईचारा है, प्यार है, कि हर तरह का हंसी है, हंसी खुशी से हम लोग सारे लोग यहाँ बिताते हैं, इसीलिए अच्छा लगता है।
रेलवे में एक चीज देखते हैं, परिवारपन है, मतलब कर्मचारियों के बीच में दूसरे के प्रति जो प्यार है, ऐसा लगता है ये लोग एक परिवार के सदस्य हैं। जी हाँ, एकदम लगता है। और छूट जाने के बाद जैसे सर्विस छूट गया, फिर भी आते हैं लोग, तो मतलब बहुत अच्छा से मिलना पड़ता है। मिलते हैं हम लोग सारे लोगों से, रिटायर हो गए जो आ गए तो मिलते जुलते हैं, चाय पानी वगैरह वगैरह पूछते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ हम सही जगह आए। एक दिन के लिए आते हैं बेचारा पास उठ लेने के लिए, लेकिन उनको भी अच्छा लगता है, कहे कि सारे लोग दिल से मिलते हैं। जी ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, परिवार की तरफ से आपको थैंक यू, आपको बधाई है इस पोस्ट के लिए, साथ ही आपको दस लाख का जिंदगी माने साहब, स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं सब कामनाओं के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हर इंसान को जानते हैं ईमानदार होना बहुत अच्छा है, और हम चाहे हम जैसे आपको देखे अभी, तो हम चाहते हैं कि मतलब किसी तरह हमारे रहते किसी का नुकसान ना हो, किसी तरीके का परेशानी भी ना पड़े, इसीलिए हमने जाकर आपको बोला कि आप अपना मोबाइल को सही रखें। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद, जय भारत।